ओके सो शुरू से शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेला है। स्कूल में शुरू से साइकिल से गया हूँ, तो एक्सरसाइज का जो शेड्यूल था, एक्सरसाइज का जो मेरा रूटीन था वो बना रहा। साइकिलिंग हो रही थी और स्पोर्ट्स हो रहा था, दिक्कत कहीं नहीं थी। फिर जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़े, ऑलमोस्ट 11th क्लास में जब मैं आया, स्पोर्ट्स पसंद था, एक्सरसाइज सब पसंद थी, हाँ, बट 11th क्लास में आया तो मुझे मिल गई गाड़ी, मुझे बहुत पैसे आने लगे। तो इससे एक बुरी आदत जो मुझे पड़ गई वो थी बाहर का खाना। बस यही एक बुरी आदत थी मेरी, बाहर का खाना। बुरी आदत ये नहीं थी, एक्सेसिव खाना थोड़ा सा हो गया था मेरा, मतलब बाहर खाने के एडिक्शन टाइप कह लो आप, ये हो गया था। और बस यही आदत मुझे ले डूबी कुछ समय के लिए, बट ऐसा है कि मैंने ये पीरियड, ये फेज़ भी मैंने एंजॉय करा, सब खाया, सब और सब चीज़ें टेस्ट करी, सब खाया, और ये अच्छा ही है, मतलब कुछ सब बुरा नहीं था। बट फिज़िकली इसने जो डिफॉर्म किया कुछ समय के लिए, वो बस चीज़ बेकार थी। बट ये चीज़ मैंने ज़्यादा लंबे टाइम तक चले नहीं दी। फिर 2 साल के करीबन मैंने ये अपना रूटीन, थोड़ा शेड्यूल ख़राब रखा। फिर अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, मैंने जिमिंग कब चालू करी। तो मैं 10th क्लास से ऑलमोस्ट जिम कर रहा था, 10, 11, 12। अब मैं हूँ, 2nd ईयर कम्प्लीट हो गया मेरा, अब मैं 3rd ईयर में हूँ। तो 2 साल अभी के और 3 साल पहले, 5 साल हो गया मुझे नेट जिम करते हुए। अब उसमें से एक्चुअली मैंने जिम कितनी करी है तो वो मैं काउंट करूँगा 3 साल। 3 साल के हो, क्योंकि बीच में कभी 10th के बोर्ड्स, कभी 12th के बोर्ड्स, कभी एग्ज़ाम्स, कभी कुछ, तो मैं 3 साल काउंट करूँगा, 2 साल हटा दो। अब बात जो आती है 6 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन की, वो उसको अब थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। तो 6 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे वाला पार्ट देखा जाए तो मैंने जब बेसिक से लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी, तब से ही मेरी स्ट्रेंथ पे काम करना चालू कर दिया था, तब से ही मेरी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही थी। और वो करते 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 ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने को मैंने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है। 6 महीने को जो मैंने इतना टाइम दिया है उसका एक्सट्रैक्ट ये 6 महीने है। ये 6 महीने कौन से हैं? जो कोरोना के बाद जो फर्स्ट वेव थी, उसके बाद जो जिम खुली, उसके अराउंड जो पीरियड था वो ऑलमोस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन। तब मैंने ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट था, जूस था, एकदम निचोड़ के निकाला। बट ऐसा है कि मैंने जो 3 चीज़ें फॉलो करी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 चीज़ें, ओनली 3 थिंग्स। सबसे पहले अच्छे से डाइट लेना, 2nd अच्छा ट्रेन करना, 3rd कंसिस्टेंट रहना। बस ये 3 चीज़ें जो मिला के एक बनता है, एक कंप्लीट पैकेज, डिसिप्लिन। ओके सो जो 6 महीने लगे हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको भी 6 महीने ही लगेंगे। आपको 6 की जगह 8-10 महीने लग सकते हैं, और कहो तो आपको 4 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। जैसे किसी का फैट टू फिट, किसी का मसल गेन, कुछ भी हो सकता है जो भी गोल है। और कितना लूज़ करना है, कितना गेन करना है, ये भी एक टारगेट होता है। तो ये सब फैक्टर्स से डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो सबसे मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है, वो तो है ही है। अब इसके बाद आता है पॉइंट कि मेरा पीक वेट कितना गया था और अराउंड कब गया था। सो मेरा पीक वेट ऑलमोस्ट 108 या 110 के अराउंड गया था। 12th के बाद का जो समय था, यानी 1st ईयर, मान लो आप 1st ईयर के मिड तक गया था। मैंने 108 तो टच करा था, उसके बाद शायद बढ़ गया हो। और फिर उसके बाद इच्छा ख़त्म हो गई थी अब खाने पीने की, और अब था जिम का चस्का चढ़ गया था बहुत ज़्यादा, एकदम कील नहीं भैया अब तो एकदम बॉडी बिल्डर बनना है, ऐसा वैसा करके, ऐसा नहीं था मतलब। तो इसको एकदम अचीव करने के लिए मैंने सब चीज़ें कुर्बान कर दी, बाहर का खाना बंद। और फिर मैंने जो लेवल की करी है वो थोड़ी अच्छी लेवल पे करी है। जैसे कि मैंने शादी बंद कर दी, मतलब जितनी भी शादी पार्टी होती थी वो बंद कर दी, दोस्तों के ऐसे बर्थडे वर्डे में जो जाके खाते थे वो बंद कर दिया था। बाहर तो मैं कुछ जाता ही नहीं था, फैमिली के साथ जाना ही बंद हो गया था। और फिर घर पे जो अच्छा बंदा, लाइक थोड़ा सा ऐसा बंदा ना, ट्रीट स्पेशल टाइप, वो भी मैंने बहुत अवॉइड करा। घर पे कुछ बाहर से आता था वो अवॉइड करा। बट मैंने जो एक चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो करी कि मैं हफ्ते में 1 दिन चीट ज़रूर करता था, लाइक संडे इज़ द चीट डे फॉर मी। इन माई केस मैंने संडे को लगभग डेली मतलब एवरी वीक मैंने संडे को चीट करा है। चीट में आप कुछ भी खा सकते हो, पॉसिबली जो भी आपके पेट में चले जाए और आपका पेट उसे डाइजेस्ट कर ले आप खा सकते हो। मैंने ये फॉलो करा है, मेरे को ये रिलाई करी, मैं मतलब इससे बहुत रिफ़्रेश फील करता हूँ कि संडे को हो गया, अब मंडे से फिर अगेन वही मोटिवेशन आ जाता है। तो आपको आपके लिए क्या सूट कर रहा है, आपको आपकी टेक्निक आप पे क्या बैठ रही है क्या नहीं बैठ रही है आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए ऑब्वियसली टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, प्रोसेस लंबी है। इसको मैराथन समझिए कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं, मैराथन लंबी होती है ना, तो आप शुरू में स्प्रिंट नहीं लेते हो। वैसे इसको भी एक एज अ मैराथन समझो, स्लो एंड स्टडी करो, बाद में या कभी एकदम पीक टाइम पे आप स्प्रिंट लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें समझ में आएंगी आपके लिए क्या सही बैठ रहा है क्या नहीं। आपको जानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि किसी और का रूटीन, किसी और का शेड्यूल आप पे फिक्स बैठे या आप पे वर्क करे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केस में पॉसिबल होता है। ओके, सो एक पॉइंट बताना मैं भूल गया था कि मेरा करंट वेट कितना है। सो मेरा अभी का वेट 84-85 के अराउंड है और ये ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से ये वेट है। सो या सो आई होप आपको वीडियो कनेक्ट करी होगी, वीडियो के पॉइंट समझ में आए होंगे और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्सरसाइज और मसल ग्रुप की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बहुत जल्दी लाऊंगा, डाइट वीडियोस में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।